ਆਹੋ ਡਬਲਿੰਗ ਟ੍ਰਿਪਲਿੰਗ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਉਹ ਉੱਧਰ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ यार लगाना जरा हमारा मेहमान आया होगी ये जान बेटा जो थोड़ी सी रह गई है कुर्सी वो भी बेटा स्टूडेंट जो है और डीजे शेख की टीम जो है वो कुर्सियां सारी आगे ले आए शफीक ये अल्लाह रखे अपनी निगरानी में बेटा करवाओ भट साहब हमारे मेहमान आए हुए हैं गुजरा वाले से भट साहब इसे आगे लेके आए सारी कुर्सी बेटा आगे करवा दो और जो स्टूडेंट और जो मुझे पता है कि अब खान के आने का बहुत कम टाइम रह गया है और जो दोस्त साइडों पे है वो भी धूप तो है खान से मोहब्बत भी है सारे दोस्तों से बहनों से गुजारिश है कि फ्रंट पे आ जाए हेलो हेलो तैयार हैं भाई बुला लें हाँ साहब को तैयार हो मैं उसे ना विजिट करके आया बहुत ज्यादा बच्चा साडा तो लाइट के पीछे बहुत ज्यादा बच्चा बैठे है उसको डाल कर बंद कर दी वो बहुत नहीं वो किसी है चलो यहां का बंद कर नहीं मैं तो मुझे गल कर रहा हूं तड़वा ते गुड न्यूज़ है जिस तरह हाल ने आना है ना बंदे ने टाइम पर तुम्हें बहुत अज बच्चे गर्मी बहुत भाई वैसे ना मैं आप लोगों के जुनून को सलाम करता हूं कि आप लोग गर्मी में भी बैठे हुए हैं अपने कप्तान को देखने के लिए जुनून को आपके मैं सलाम करता हूं माशाल्लाह माशाल्लाह बस आप सब निकल आए हैं 5 से 7 मिनट में पहुंच जाएंगे इधर आपके पास आप सब तैयार हो जाओ या झंडा पीछे भी तकसीम करो अल्लाह रकेश फीक झंडा जो है पार्टी परचम और जो हमारा है पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो पीछे तकसीम करवाओ फ्लैग सारा तकसीम करवा दो यार लगाओ जरा पाकिस्तान जिंदाबाद दोबारा जरा झंडे चेक करें ना किस किस के हाथ में झंडा है और फुल साउंड में लगाओ जरा भाई सारे सारे ही झंडे निकाल जिसके हाथ में भी झंडा है माशाल्लाह की हिम्मत वतन अपना जज्बा वतन मन की
कॉलेज और दीगर तमाम कॉलेज के तलबा और तालबात, आपके जोश और जुनून का सलाम। कमेंट मरे कॉलेज ग्रेजुएट की तरफ से उस्मान डार, साबिक मुशीर वजीर आजम पाकिस्तान को स्वीनियर पेश कर रहे हैं प्रिंसिपल व वाइस प्रिंसिपल। आप सबकी भरपूर तालियों में उस्मान डार साहब के लिए स्वीनियर पेश कर रहे हैं प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल। मरे कॉलेज के तलबा और तालबात, इस्लामिया कॉलेज, इलामा इकबाल कॉलेज, डेस्का कॉलेज, मरान मरान तीन चार पर्दे लेके बैक साइड के आओ, तीन चार पर्दे लेके बैक साइड पे आओ मेन स्टेज के। तो सियालकोट वालों, जुनून है, जज्बा है, वेल डन। रिहर्सल करने लगे हैं, हमारा मेहमान आया पे किस तरह हमने अपने मेहमान का इस्तकबाल करना, लगाओ जरा एक रिहर्सल कर ले, लगाना जरा डीजे, जरा डीजे।
माशाल्लाह सियालकोट की बहादुर बेटियों को मैं सलाम पेश करता हूं जितनी बड़ी तादाद में आई हैं। सॉन्ग तैयार रखो, मेहमान आ रहा है हमारा, पहुंच रहे बस। सियालकोट 1 2 3
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तालिब इल्म तैयार हैं, हमारी बहनें तालबात तैयार हैं, इकबाल के शाहीन तैयार हैं। आप लोगों के लिए ही शायद इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या कर तू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला था आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। तालिब इल्म इमरान खान आपके पास चंद लम्हों में यहाँ पर आपके साथ शरीक होंगे, आपके दरमियान मौजूद होंगे, इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। ना रोज रोज तहरीकें उठा करती हैं, ना उन तहरीकों को चलाने के लिए रहनुमा मिला करते हैं। आप सबके दरमियान इमरान खान मौजूद होंगे चंद ही लम्हों में। और ये जो भाई इस तरफ खड़े हैं प्लीज इस तरफ आ जाएं, पीछे चंद ही लम्हों में खान साहब हमारे दरमियान मौजूद होंगे। उस्मान डार साहब उनको इस्तकबाल करने के लिए नीचे गए हैं। आप सबसे गुजारिश है जो इस तरफ खड़े हैं और जो कॉरिडोर में खड़े हैं, पीछे जो खड़े हैं सारे दोस्त, हमारी बहनें, सब लोग प्लीज इस तरफ ग्राउंड में तशरीफ ले आए। चंद ही लम्हों में हमारे कायद हमारे दरमियान होंगे, तो आप सब इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। उस्मान भाई देखें, सियालकोट की बहादुर बेटियां जहर उगल रहा है इस वक्त, आग उगल रहा है सूरज, और ये खड़ी हैं यहां, और इकबाल के शहीन छांव में खड़े हैं, छांव में। तो आप इधर आए प्लीज, सियालकोट के बहादुर बेटे भी इधर आए। माशाल्लाह अगर हमारी बहादुर बेटियां यहां धूप में बैठी हैं तो आप भी बताएं कि सियालकोट के बेटे भी किसी से कम नहीं है। इधर आ जाए सारे मेरे दोस्त मेरे भाई। हां साहब अगले एक से दो मिनट में पहुंचने वाले हैं इधर कैंट घंटाघर चौक में, उनकी गाड़ी पहुंच चुकी है। तो सियालकोट तैयार है, तैयार है, जिंदाबाद।
रेडी। सियालकोट की बहादुर बेटियां तैयार है, की बहादुर बेटियों बता दो इमरान खान आया है। सियालकोट के बहादुर बेटों बता दो इमरान खान है सियालकोट में। मैं अब तलावते कुरान पाक के लिए दावत दूंगा हाफिज अली साहब को। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا। इन आयात का मफहूम कुछ इस तरह है कि जब अल्लाह ताला की मदद आपके शामिल हाल हो तो हकीकी फतह उसी वक्त आपको मिलेगी और आप देखेंगे कि जब अल्लाह की मदद आपको हासिल हो तो लोग दो जोक तक जोक आपके साथ शामिल होंगे। तो फिर उसके बाद खास तौर पर खान साहब के लिए कि उसके बाद सुबह शाम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान किया करो और अल्लाह से तौबा किया करो। सदकल्लाहु नाज़ीम व सदक रसूलुहु नबीयुल करीम। सियालकोट जाग रहे,
अब मैं दावते हिताब दूंगा मरे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नवाज साहब से कि वो आए तो एक मिनट आपसे मुखातिब हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रिस्पेक्टिव चीफ गेस्ट मिस्टर इमरान खान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ऑनरेबल डिग्निटीज, वर्दी मेंबर्स ऑफ फैकल्टी एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। टुडे आई फील इमेंस प्लेयर एंड ऑनर एज प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट मरे ग्रेजुएट कॉलेज सियालकोट टू वेलकम मिस्टर इमरान खान, चेयरमैन पीटीआई, ऑन हिज अराइवल टू दिस हिस्टोरिकल एंड प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। एज एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट ऑफ हाई रैंक, वी टेक प्राइड इन बीइंग द अल्मा मैटर ऑफ अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल एंड ग्रेट पोएट फैज अहमद फैज। दिस कॉलेज वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई स्कॉटिश स्कॉटलैंड चर्च इन 1889, सो दिस कॉलेज हैज हिस्ट्री ऑफ ओवर 130 ईयर्स एंड nowadays this college has taken big stride in the direction of modernity in education and ever changing demands of modern era. At present it offers BS honors in 14 disciplines along with intermediate class levels. Like a great institute, we do not only take pride in the glorious past, but the dedication of college faculty and hard work of our talented students will inshallah secure a greater name for Murray College Sialkot in the years to come. As you all know, there is a greater need of facilities for student on campus and a need for better infrastructure, but within these limited resources I assure you we will leave no stone unturned to contribute in the academic growth of our young generation. For the sake of our beloved land, dear audience, intellectual debate and freedom of exchanging ideas have been the hallmark tradition of our college, and this provides all of us with an opportunity to participate in healthy activity of knowing and exchanging views for the prosperity and awareness of next generation. We will keep on following the rich traditions of intellectual debate, nurturing our youth and vision, and fulfilling the promise to sacrifice for the sake of our beloved country. Dear audience, I will cut my discussion short. While concluding, I once again offer extreme gratitude to beloved leader Mr. Imran Khan and all the respectful guests who have graced Gomit Murray College Sialkot with their presence. We welcome you all, sir. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Imran Khan sahab ko bulane se pehle main aapko ye batana chahta hu, ek to main chairman sahab सियालकोट की बहादुर बेटियों को सलाम पेश करता हूं कि ये धूप में बैठी हुई हैं यहां सुबह से। मैं सियालकोट के बेटों को सलाम पेश करता हूं। चेयरमैन साहब, सियालकोट के नौजवानों को आपके साथ जुनून की हद तक मोहब्बत है, जुनून की हद तक इश्क करते हैं ये आपसे। आप इमरान खान को बता दो सियालकोट तैयार है ना। चेयरमैन साहब, ये मरे कॉलेज 131 साल पुराना कॉलेज है, यहाँ इलामा इकबाल पढ़े, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है चेयरमैन साहब कि यहाँ मरे कॉलेज जो 131 साल पुराना कॉलेज है, इसको अभी तक यूनिवर्सिटी का डिग्री अवार्डिंग स्टेटस नहीं दिया गया। यहाँ इलामा इकबाल साहब पढ़े हैं। इस कॉलेज में गुजरात यूनिवर्सिटी की डिग्री दी, और नौजवानों, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की और आपके प्राइम मिनिस्टर ने पंजाब हुकूमत को हदायत दी कि मेरे कॉलेज को यूनिवर्सिटी डिग्री अवार्डिंग स्टेटस मिलना चाहिए।
उसके साथ साथ इस प्रोग्राम के बाद इमरान खान साहब जिना स्टेडियम का संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं। 3 अरब की लागत से स्टेडियम तैयार होने जा रहा है। 12 अरब रुपए से सियालकोट में टेक्निकल यूनिवर्सिटी का आगाज हो चुका है। यह भी क्रेडिट इमरान खान को जाता है। तो चेयरमैन साहब, मैं सियालकोट के नौजवानों की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं। हम सब आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आप जब भी कॉल देंगे सियालकोट तैयार है, तो सियालकोट अपने कप्तान के लिए तैयार हो। बुला लूं, पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, नौजवानों के कप्तान है आप, इमरान खान है आप। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इयाक नअबुदु व इयाक नस्ताईन। मैं प्रिंसिपल साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मरे कॉलेज में दावत दी और इस मुल्क के फ्यूचर लीडर्स, मैं सब अपने सामने इस मुल्क के फ्यूचर लीडर्स देख रहा हूं, मौका दिया आपसे बात करने का। अच्छा, मरे कॉलेज, आराम से खामोशी से आपने मेरी बात सुन ली। अल्लाह जानता है इसके बाद कभी मौका मिलेगा या नहीं। तो मैं चाहता हूं कि ये आज आपने दिन याद रखना है और मेरी बातें याद रखनी है। देखिए, सबसे पहले कि इंसान, इंसानी माशरा, जानवर और जानवरों के माशरे में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? क्या होता है? इंसाफ। जानवरों के माशरे में इंसाफ नहीं होता। ताकतवर का कानून चलता है। इंसाफ इंसानी माशरे में होता है, जिधर कानून ताकतवर और कमजोर को एक तरह देखता है। यह मेरी बात आपने सुननी है, क्योंकि आपको आज क्या वो एक वजह है कि हमारा मुल्क पीछे रह गया और दुनिया आगे निकल गई? मरे कॉलेज क्या वजह है? क्योंकि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं आया। ताकत की हुक्मरानी है, जो ताकतवर है वो अपने आप को कानून के ऊपर समझता है, डाका मारता है तो एनआरओ मिल जाता है और सिर्फ छोटे चोर जेलों में जाते हैं, बड़े डाकू जेलों में नहीं जाते। सबसे बड़ा डाकू आपका वजीर आजम बन गया है। तो अल्लाह सुन ले, दुनिया का सबसे अजीम लीडर ना कभी कोई आया है ना कभी आ सकता है, वो आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। किसी इंसान ने इस दुनिया में वो अचीवमेंट नहीं की जो आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। कोई इंसान ने इंसान की तारीख में वो अचीवमेंट्स नहीं की। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो कौम
छोटे चोरों को जेल में डालती है और बड़े डाकुओं को पकड़ नहीं सकती, वो तबाह हो जाती है। तो आज हमारा मुल्क उधर खड़ा हुआ है और मैं जो आपके पास आया हूं, सबसे पहली मैं आपको चीज कहूंगा कि अपनी पढ़ाई के ऊपर आपकी सबसे ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए। कौमें वो ऊपर जाती हैं जो अपने इंसानों के ऊपर तालीम पे पैसा खर्च करती है। और ये जो अपने आपने यूनिवर्सिटी की बात की, इंशाल्लाह मैं ये चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा और आपको अगला स्टेटस बनवाने की कोशिश करूंगा यूनिवर्सिटी का। लेकिन ये आपने याद रखना कि जो जिंदा माशरा होता है वो जब मुल्क के अंदर जुल्म और नाइंसाफी होती है, जिंदा माशरा इंसाफ के लिए खड़ा होता है। अल्लाह ने मुसलमानों को क्यों कहा जहाद करने का? जहाद क्या है? जहाद जुल्म और नाइंसाफी के सामने खड़ा होना, जानवर जुल्म और नाइंसाफी के सामने नहीं खड़े होते। आपने कभी देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक एनिमल प्लैनेट में कि जो अफ्रीका का सबसे ताकतवर जानवर समझा जाता है वो अफ्रीकन बफलो है, जो अफ्रीका की भैंस है। आप देखते होंगे कि 5-6-10 शेर, हजारों भैंसें खड़ी होती हैं। वो पहले उनको डराते हैं, वो जब भागना शुरू करती हैं तो वो एक भैंस को पकड़ लेते हैं, 5-6 शेर, और वो सारे अपनी जान बचा के भाग जाते हैं क्योंकि वो जानवर हैं। जानवर अपना सोचता है। इंसानी माशरे के अंदर इसलिए अल्लाह ने आपको कहा है कि जुल्म का मुकाबला करो, जुल्म के सामने सर ना झुकाओ। जो जालिम के सामने खड़ा होता है राय हक पे और उसकी जान जाती है, अल्लाह उसको शहादत का रुतबा देता है, सबसे बड़ा रुतबा देता है। आज अगर अरशद शरीफ इस मुल्क का एक ऐसा सहाफी जो राय हक पे खड़ा था, अपने मुल्क के लिए जद्दोजहद कर रहा था कि चोरों को और डाकुओं को बेनकाब करने का, और जो रिजीम चेंज हुई उसके खिलाफ जो जहाद कर रहा था, जो उसका कत्ल किया गया, इसका रुतबा शहीदों में जाता है। ये कौम हमेशा इसको याद रखेगी कि अपनी जान कुर्बान की इसने हक के लिए। इसलिए ये याद रखें कि जिंदा माशरा हमेशा जुल्म और नाइंसाफी के सामने खड़ा होता है। खौफ के बुत की पूजा नहीं करता, खौफ की वजह से जालिम का मुकाबला करने से डरता नहीं है। सबसे बड़ा सानिया मुसलमानों की तारीख में जब हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई तो कूफा के लोग सब जानते थे कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे खड़े हैं, लेकिन उन्होंने यजीद के खौफ की वजह से हजरत इमाम हुसैन की मदद नहीं की और हमेशा के लिए वो पछताए कि इतना बड़ा जुल्म होने दिया उन्होंने। आज भी यही है। मैं जो आपके पास आया हूं सिर्फ एक चीज आपको बताने के लिए कि हमने ये जो चोर ऊपर हमारे अमेरिका ने मुसल्लत किए हुए हैं, मैं जब तक जिंदा हूं इनका चोरों का मुकाबला करूंगा, अपनी कौम को तैयार करूंगा कि कौम आज उधर खड़ी है। अगर इन चोरों की हुक्मरानी रह गई
अगर ये जुल्म और नाइंसाफी का निजाम रह गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे जिसकी हम उम्मत हैं, जो इस दुनिया की तारीख के सब अजीम से अजीम लीडर हैं, उन्होंने हमेशा हमेशा जालिम का मुकाबला किया। सारे अल्लाह के पैगंबरों ने जालिमों का मुकाबला किया। हजरत मूसा ने फिरौन का मुकाबला किया, हजरत इब्राहिम ने नमरूद का मुकाबला किया, हजरत ईसा ने रोमन इंपीरियलिज्म का मुकाबला किया, और जो यहूदी एलीट थी उसका मुकाबला किया। सब इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं। जितने अल्लाह के पैगंबर आए थे सब इंसाफ के लिए आए थे कि अल्लाह की जमीन पे इंसाफ कायम करना। तो आप फ्यूचर लीडर्स हो, लीडर बनता है जब वो इंसाफ के लिए स्टैंड लेता है। वो लोग जो जुल्म के सामने सर झुकाते हैं, उनमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं होता। अमेरिका के अंदर जब सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू हुई, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स के ऊपर जो वो जुल्म करते थे, उनको इंसाफ नहीं देते थे, उनके सामने कौन खड़े हुए? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, अमेरिका की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स निकले। जो वियतनाम वॉर हुई उसके खिलाफ कौन खड़े हुए? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स खड़े हुए। हमेशा नौजवान एक माशरे के इंसाफ के लिए खड़े होते हैं। जब बर्तानिया ने इराक के अंदर जंग में शिरकत की, बर्तानिया को फायदा था, जंग तेल के लिए थी, लेकिन 20 लाख लोग बर्तानिया में निकले उस जंग के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने कहा यह नाइंसाफी है, जिंदा माशरा। आज आप सब पाकिस्तान के जो नौजवान उनका फ्यूचर आज खतरे में है, ये चोरों को ऊपर बैठा के, आप सब ने इस जुल्म के सामने, इस नाइंसाफी के सामने, इन जुराइम पेशा लोगों के सामने आपने सब अपनी आवाज बुलंद करनी है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इनका मुकाबला करेंगे, इनको शिकस्त देंगे और कायद आजम का पाकिस्तान बनाएंगे, और वो पाकिस्तान जो यहां से इलामा इकबाल, जो पिछले 500 साल में मुसलमानों का सबसे बड़ा जहन, बड़ा इंटेलेक्चुअल, हम इलामा इकबाल का जो ख्वाब था पाकिस्तान का, इंशाल्लाह हम सब मिलकर वो पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।